हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आपका एम है कि आपको क्वालिफाई करना है आईआईटी एग्जाम 2023, तो आपको कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं एंड यू हैव टू आल्सो फिल सम सर्टिफिकेट्स। क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज़रूरी है आप लोगों के लिए, लेट्स क्लियर अंडरस्टैंड द सर्टिफिकेट्स। पहली बात, अगर आप बिलोंग करते हो इनमें से किसी कैटेगरी को, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, तो यू हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो दीज आर द पीपल जिनसे आप ले सकते हो सर्टिफिकेट्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द पीपल, इनसे आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हो। एंड यू हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा फॉर द एग्जाम एंड यू विल नॉट बी बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। फिर आपको जब भी कट ऑफ वगैरह आता है, फिर आपको वहाँ पे तकलीफ हो सकती है, आपको जो फी कंसेशन मिलेगा वो सारा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो मेक श्योर दैट इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, प्लीज मेक श्योर दैट आप सर्टिफिकेट बनवा लो एंड उसको आप अपलोड कर दो, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, ध्यान रखो, इनके अलावा कोई और ऑफिशियल अगर देता है सर्टिफिकेट तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दीज मेनी पीपल कैन एक्चुअली गिव यू द सर्टिफिकेट, आपको इन्हीं से बनवाना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यही आपका सर्टिफिकेट जो है ये बनवा रहे हैं एंड देन यू कैन सबमिट इट टू द सेंटर। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज, इफ देयर इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे ऑल्सो हैव टू मेक अ सर्टिफिकेट। एंड रिमेंबर, द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 40% इम्पेयरमेंट। ओके, 40% से ज्यादा है तो दैट पर्सन इज कंसिडर एज अंडर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड ही और शी ऑल्सो विल गेट सम बेनिफिट्स एंड द कंसेशन मिलेगा फीस में भी एज वेल एज इन द कट ऑफ ऑल्सो दे विल गेट सम कंसेशन। फॉर दैट दे हैव टू ऑल्सो फिल अ फॉर्म। द फॉर्मेट गिवन फॉर्म 6 और फॉर्म 5 और 6 और 7 एंड द पर्सन शुड बी प्रॉपरली एबल टू फिल दैट फॉर्म एंड इन द लिंक यू विल गेट द फॉर्म। सो प्लीज डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इन दैट यू विल गेट दिस लिंक एंड यू कैन डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम देयर एंड यू कैन फिल दैट। आपको फॉर्म फिल करना है और फिर आपको समझ जाएगा बच्चे कि आपको फॉर्म में एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स जो है ये फिल करनी है। सो रिमेंबर, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी बेनिफिट्स, तो प्लीज फिल द फॉर्म एंड यू हैव टू ऑल्सो सबमिट इट। ठीक है, सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आपके सीएमओ से, होना चाहिए सर्जरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सो दीज आर सम पीपल जहाँ से आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवाना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल इन दिस कैटेगरी एंड आपका इसका बेनिफिट जो भी मिलेगा आप उसको एलिजिबल हो जाओगे फिर। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज दैट यस, इफ अ पर्सन इज डिसलेक्शिया, उनको अगर डिसलेक्शिया है, दैट केस ऑल्सो द पर्सन कैन गेट सम कंसेशन एंड इसके लिए उनको लेना पड़ता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिसलेक्सिया एसोसिएशन। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे मैम, तो ये दीज आर द एड्रेसेस जहाँ से उनको सर्टिफिकेट जो है ये मिल सकता है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दीज एड्रेस, टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आपको चीज़ें जो है ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू हैव पी डब्ल्यू डी ऑफ लाइक इफ यू आर इन कैटेगरी ऑफ पी डब्ल्यू डी और डिसलेक्शिया और इन अंदर एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी, इन दैट केस यू हैव टू सबमिट दीज रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको इसके जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल सके। ठीक है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दीज वन थिंग, दीज आर द इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको मिल सकता है सर्टिफिकेट। इन दिस केस आपको इनसे इशू कराना है अपना सर्टिफिकेट एंड दिस वन थिंग इज दैट यू हैव टू टेक द सर्टिफिकेट, यू हैव टू मेक द सर्टिफिकेट जो इनसे इशू जो है ये होना चाहिए। ठीक है, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस एज वेल, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ताकि आपको समझ जाए कि आपको एग्जैक्टली तहसीलदार के पास जाना तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर से लेना है सर्टिफिकेट, इफ यू आर गोइंग टू द प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तो आपको किन के पास आप ले सकते हो सर्टिफिकेट। सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस एंड प्लीज सबमिट द डॉक्यूमेंट। अगर आप अभी भूल जाते हैं, बाद में सबमिट करोगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत बार। सो जस्ट मेक श्योर कि आपने अभी इस चीज़ को सबमिट कर दिया हो, सो दैट यू डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। Okay, so I hope this information is very much useful to every one of you. If you don't need the information, please share the news. हो सकता है किसी और को इसकी ज़रूरत हो, जो उनके बारे इसके बारे में नहीं पता हो, जो भरना भूल गए हो अभी, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस चीज़ को भी ध्यान रख रहे हो। ठीक है, सो yes स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज आप लोग लिख सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई टू दोज एज वेल। सो yes स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।